ड्रग्स केस में बेटे की जमानत याचिका खारिज होने के बाद शाहरुख खान आर्यन खान से मिलने मुंबई के आर्थर रोड जेल में पहुंचे हैं। यह पहली बार है जब शाहरुख अपने बेटे से मिलने जेल पहुंचे। शाहरुख की आर्यन खान से यह मुलाकात करीब 19 मिनट की रही। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका सेशंस कोर्ट से खारिज हो चुकी है। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान हैं। करीब 21 दिनों से अपने बेटे से दूर रहे शाहरुख खान के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया और आज वह खुद को रोक नहीं सके। करीब 15 से 20 मिनट शाहरुख ने जेल के अंदर बिताया और फिर वहां से निकल गए। शाहरुख खान आज गुरुवार सुबह बेटे आर्यन का हाल जानने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे हैं। इससे पहले शाहरुख ने आर्यन से फोन पर बातचीत की थी और वीडियो कॉल पर उन्हें जेल में अपने परिवार वालों से बात कराया था। यह पहली बार है जब शाहरुख खुद बेटे का हाल जानने के लिए जेल पहुंच गए हैं। शाहरुख खान जब जेल के अंदर आए तब उनकी एंट्री ठीक उसी तरह से हुई जैसे कैदियों से मिलने आए बाकी परिजनों की होती है। किसी सामान्य आरोपी के परिजन की तरह शाहरुख ने भी आरोपी से मुलाकात की और कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मिलने से पहले शाहरुख खान का आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स देखे गए और इसके बाद ही टोकन के साथ उन्हें अंदर भेजा गया। आर्यन और शाहरुख में 15 से 20 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों के बीच एक ग्लास फेसिंग थी और दोनों तरफ इंटरकॉम था। उनके बीच हो रही बातचीत के दौरान चार गार्ड भी मौजूद थे। मुलाकात का समय पूरा होने के बाद शाहरुख खुद ही बाहर निकल गए। शाहरुख खान का वीडियो सामने आया है जहां जेल के बाहर मीडिया की भीड़ भी नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल के सूत्रों ने बताया कि अपनी जमानत रद्द होने की खबर सुनकर आर्यन खान काफी परेशान हो गए थे। बताया गया है कि इस खबर से दुखी आर्यन बैरक के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए और वह किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे।